अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे साथियों को जय भीम, नम बुद्धाय। 2 या 3 मिनट का ही समय मेरे पास है, अनाउंसमेंट हो रही है। आज मैं सुबह से, दरअसल कल ही दिल्ली में आ गया था। दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक को अभिवादन करने के बाद, कल 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने RPI की स्थापना की थी, और इसलिए उस दिन के औचित्य को याद रखते हुए बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए बाबा साहब के अलीपुर रोड के बंगले पर हम गए। और आज सुबह 5 बजे हम लोग हाथरस के लिए निकले। हाथरस के SP वहाँ पर उन्होंने हम लोगों को गांव के अंदर जाने से रोका, और फिर हमने सपा बसपा का जो आंदोलन चल रहा था वहाँ पे भी हम लोग शामिल हुए। और फिर SP से और DM, यहाँ पर कलेक्टर को DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। करीब 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक मेरी चर्चा हुई। और FIR की कॉपी हम लोगों ने देखी है, मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी हमने देखी है, और इसलिए मैं आप लोगों को ये सच पूरे देश को और विदेशों में बैठे हुए सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। FIR के कॉपी के अनुसार देखिए, एक मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी की साइकिल भी गुम हो जाती है ना, तो वो 2 पन्ने का FIR बनाता है, 2 पन्ने की कंप्लेंट देता है। यहाँ पर लड़की के साथ, बच्ची के साथ, अब पहली बात तो ये एक आप लोगों को अजीब लगता होगा, जब ब्राह्मणों की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान छुपा कर रखते हैं, उसका नाम भी नहीं पता होता। निर्भया का नाम बताओ मुझे क्या है? निर्भया का किसी को नाम पता नहीं है, लेकिन हमारी बच्ची का पहले दिन से उसकी आइडेंटिटी बताई गई कि वो मनीषा वाल्मीकि है, यानी वो वाल्मीकि समुदाय से है, इसलिए बाकी किसी ने आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। पहला यहाँ पर रूल तोड़ा गया। दूसरा रूल मैं बताता हूँ, FIR हम लोगों ने देखा, सिर्फ 4 सेंटेंस का FIR है। गैंग रेप के लिए FIR किया जाता है 4 सेंटेंस का, और 4 सेंटेंस क्या है? माँ का नाम रामा लिखा गया है, भाई का नाम संदीप है, और मनीषा, ये तीनों भी खेत पर, बाजरे के खेत पर बाजरा काटने के लिए रात के 9:30 बजे गए थे, और भाई वो घास रखने के लिए घर में जाता है, और फिर जो लड़का है ठाकुर, वो आकर मनीषा की छेड़ निकालता है, गला दबाता है, और उतने में माँ चिल्लाती है और भाई दौड़कर आ जाता है, और ये जो लड़का है ठाकुर वो भाग जाता है। बस इतना ही वाक्य FIR में किया गया है, FIR में बताया गया है। अब पुलिस का ये कहना है कि पुलिस की थियरी देखो क्या है, पुलिस की थियरी है कि उसने सिर्फ गला दबाया था और भाई आ गया तो वो भाग गया, और फिर लड़की गिर गई, गिरने के बाद एक ईंट पर, ये जो भाग होता है गले का, ये भाग उसका ईंट पर वो टकराई, और ईंट पर टकराने से जबान बाहर आई, और जबान बाहर आने के बाद दांतों के नीचे वो आकर कट गई। ये पुलिस की थियरी है। सेकेंड, 14 सितंबर को ये बलात्कार होता है, 14 सितंबर को गैंग रेप होता है, 22 सितंबर को मेडिकल होता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 दिनों के बाद मेडिकल रिपोर्ट की जाती है। और मेडिकल रिपोर्ट देखिए क्या कहती है, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कहीं पर भी शरीर पर चोट ही नहीं है। इसलिए मैंने अभी BM न्यूज का आप वीडियो देख रहे होंगे, उस पर मैंने कहा है कि लड़की को कुछ हुआ ही नहीं, वो अपने आप ही मर गई, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट कहता है ना तो बलात्कार की कोशिश की गई है, कोई खरोच तक नहीं है मेडिकल रिपोर्ट में। अब मेडिकल रिपोर्ट देखिए कैसा है, जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स है सारे ठाकुर है, खुद DM ठाकुर है, गुनेगार ठाकुर है, सभी लोग यहाँ पर ठाकुर है, और इनके ऊपर ये FIR जो लिखी गई है, मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है, ये इनके ऊपर ना आए, इसलिए इन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बनवाई है। यहाँ पर आज मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर लेकर गया था साथ में, सारा उनका ये सुना हमने, उनकी थियरी सुनी, और देखिए मेरे पर कितना प्रेशर था। मुझे DM कहता है कि आप ये अनाउंस करो कि रेप हुआ ही नहीं था, रेप हुआ नहीं है, ये आप अनाउंस करो, यहाँ से अनाउंस करो। इस तरह का प्रेशर अगर मेरे पर आ सकता है, सोचिए फैमिली पर कितना प्रेशर होगा। हमको फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा, गांव को बंद करके रखा हुआ है, और कहते हैं कि गांव के अंदर तनाव है, तो बताओ ना तनाव किसने पैदा किया है, गांव के अंदर जाने नहीं दे रहे। पुलिस प्रशासन इतनी निचले स्तर पर गिरी हुई है UP की, कि सही में जंगल राज क्या होता है वहां पर जाकर देख लो। पूरी पुलिस इसमें शामिल है, पूरे मेडिकल स्टाफ इसमें शामिल है, और ये नेचुरल है
कि वाल्मीकि परिवार यानी उनके पिताजी ओम प्रकाश जी, उनके भाई संदीप जी, उनकी माता रामा जी, ये नेचुरल है वो लोग ये केस नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक बच्ची तो वो गवा चुके हैं, वो अपने बेटे को अपनी बीवी को नहीं गवाना चाहते, इसलिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। रात के 2:30 बजे बॉडी को क्यों जलाया, ये जब हमने उनको पूछा तब ये कहता है कि ये फैमिली उस बॉडी को लेकर बार्गेनिंग कर रही थी कि 1,00,000 दो, 2,00,000 दो, 5,00,000 दो, 10,00,000 दो, और फिर जब 25,00,000 पर इनका डन हो गया तो बॉडी जला दी। ये इनकी पुलिस की थ्योरी है, ये पुलिस की थ्योरी है कि इसलिए हम लोगों ने 2:30 बजे ये